अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा। राम राम भाई, अरविंद केजरीवाल को जो दिल्ली के एक्टिव सीएम है उनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन अरेस्ट क्यों करा इसकी जो पूरी कहानी है वो मैं आपको समझाता हूँ अगले 5 मिनट के अंदर। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए और नेक्स्ट जो भी अपडेट्स आएंगी चाहे वो न्यूज चैनल के थ्रू आए या फिर मेरे थ्रू आए आपको समझ में आ जाए आराम से। भाई ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन भेजे थे, 9वें समन के बाद जब एक और समन की बारी आई तब ईडी ने उनको अरेस्ट करा। पर आखिर अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट क्यों करा? तो देखो बात शुरू होती है नवंबर 2021 से जब दिल्ली गवर्नमेंट न्यू एक्साइज पॉलिसी लाती है और ये बोला गया था कि इस नई पॉलिसी से सेंटर को स्टेट को दोनों को बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस न्यू एक्साइज पॉलिसी के अंदर साउथ का भी कनेक्शन था, वो भी आपको आगे बताता हूँ। तो देखो यार जो पॉलिसी है ये मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि पहली पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो शराब की दुकानें हैं वो कुछ कुछ इलाकों में खुल सकती है, हर एक इलाके में नहीं, लेकिन जो न्यू पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग हर एक इलाके में दारू की दुकान खुल सकती है, करीब करीब समझ लो कि 2 खुल सकती है समझ लो, ठीक है। और न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्राइवेट शॉप थी वो भी ज्यादा खुल गई थी, उस चक्कर में बहुत ज्यादा मतलब कि समझ लो दिल्ली में बवाल हो गया था। आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा कि एक के साथ एक दारू फ्री मिल रही है। तो इस पॉलिसी के आने के 6 महीने बाद 8 जुलाई को जो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने रिपोर्ट करा कि जो पॉलिसी उसके अंदर कुछ वायलेशन हुई है, कुछ हेरा फेरी हुई है चेंज करने के अंदर। फिर ये वाली बात आगे पहुंची और ये पहुंची दिल्ली के एलजी को, तो उन्होंने सीबीआई को बोला कि भैया आप इसके ऊपर जांच करो। तो भाई जब जांच शुरू होती है तो 19 अगस्त 2022 को मनीष सिसोदिया और 3 लोगों के घर भी सीबीआई रेड करती है। फिर 22 अगस्त 2022 को ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल करती है। फिर नेक्स्ट मंथ सितंबर 2022 को सीबीआई अरेस्ट कर लेती है किसको? विजय नायर को। अभी विजय नायर कौन है? ये आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन हेड है और इनका ना काफी अलग रोल दिखाया बाद में वीडियो के अंदर, आगे मैं आपको इनका रोल बताता हूँ। फिर मार्च 2023 को ईडी मनीष सिसोदिया जी को अरेस्ट कर लेती है इसी केस के अंदर, उसके बाद बहुत सारा बवाल होता पूरी दिल्ली के अंदर। फिर अक्टूबर 2023 को संजय सिंह को अरेस्ट कर लेती है ईडी इसी केस के सिलसिले में, भैया ये भी इसके अंदर इन्वॉल्व है। अक्टूबर 2023 को ही ईडी अपना पहला समन भेजती है केजरीवाल जी को, लेकिन उसके ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आता एज पर ईडी। फिर 16 मार्च 2024 को एक न्यूज आती है कि के कविता को अरेस्ट कर लिया गया है ईडी ने, जो बीआरएस पार्टी की लीडर है। और भाई उसके बाद केजरीवाल जी को समझ में आ जाता है कि बहुत सारे समन आ चुके हैं, क्योंकि तब तक 7-8 समन आ चुके थे केजरीवाल जी को, तो उनको समझ में आ जाता है कि अगर अब ईडी मेरे पास आई तो मुझे अरेस्ट कर लेगी। तो इसलिए वो हाईकोर्ट जाते हैं कि भाई मुझे इनसे प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन के सेंस में कि ये लोग मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे, अगर ये लोग मेरे से पूछताछ भी करते हैं मैं सवाल जवाब दूंगा लेकिन मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन हाईकोर्ट ने बोला कि ऐसा तो नहीं हो सकता भाई साहब, क्योंकि ईडी ने भी बोला कि देखो हमारे पास सबूत तो है लेकिन हम अभी प्रेजेंट नहीं कर सकते जब तक हमारी पूछताछ ना हो केजरीवाल जी से। तो इसलिए उन्होंने केजरीवाल जी को मना कर दिया कि हम आपको इंटरिम बेल नहीं दे सकते। और फिर 2-3 घंटे के बाद न्यूज आती है कि ईडी दिल्ली के सीएम के घर पहुंची है पूछताछ करने के लिए, और ईडी की टीम जैसे ही घर पहुंची उन्होंने सारे कम्युनिकेशन जो है बंद कर दिए वहां के। अब कई लोगों को शक हो गया था कि शायद गिरफ्तार हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे, लेकिन जब बाहर पुलिस तैनात होने लगी और बहुत सारी जो तादाद बढ़ने लगी, फिर उसके बाद जब उनके कार्यकर्ता भी आने लग गए, उसके बाद कई लोगों को और भी ज्यादा शक हो गया कि भैया आज ही अरेस्ट होने वाले। और फिर बाद में सबसे बड़ी न्यूज आती है कि ईडी ने केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया, और फिर अरेस्ट करने के नेक्स्ट डे ईडी ने कोर्ट के अंदर ये बोला कि हमें केजरीवाल जी को रिमांड पे लेने की परमिशन चाहिए, मतलब पूछताछ करने के लिए यहाँ पे रिमांड बोला जा रहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी के जो वकील है उन्होंने बोला कि भैया ये तो बिल्कुल ही गलत बात है, कोर्ट कोई रबर स्टैंप थोड़ना है कि कोई भी रिमांड की एप्लीकेशन लेकर आएगा उसको अप्रूव कर देंगे। तो इसके ऊपर बहुत सारी कहासुनी हुई, उसके बाद ये फैसला आया कि अरविंद केजरीवाल जी 28 तारीख तक ईडी के रिमांड में रहेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि विजय नायर का और के कविता का क्या कनेक्शन था इस पूरे केस के अंदर। तो देखो विजय नायर जो है वो लिकर ट्रेडर्स और आम आदमी पार्टी के बीच के कोऑर्डिनेटर बने हुए थे एज पर द सोर्सेज, जितना भी न्यूज के अंदर आया कि भाई यहाँ से ट्रेडर्स बात कर रहे हैं कि हमें कितना कितना परसेंट मिलेगा एंड ऑल फलाना ढिंकाना, और वहां से आम आदमी पार्टी बोल रही है कि इतना इतना परसेंट मिल सकता है या फिर आपको ये सब करना पड़ेगा। इन सबके बीच में जो इन सबकी बात करा रहे थे वो विजय नायर थे। और यहाँ पर बीआरएस की जो लीडर है के कविता का, उसका ये रोल था कि जो दिल्ली की न्यू स्कीम थी अब उसके अंदर भाई प्राइवेट ठेके तो खुल गए लेकिन दारू कहां से आएगी, तो दारू साउथ के जो लिंक थे सप्लायर थे लिकर वाले वहां से यहाँ पे लेके आने थी। अब यहाँ पे दो तरफ फायदा हो रहा था, एक आम आदमी पार्टी को जिनको 100 करोड़ का फायदा हुआ है, और उस साइड की जो सप्लायर्स थे उस साइड के जो क्या कहते हैं लिकर के जो कनेक्शन वाले थे उन सबको फायदा हुआ है। तो करीब करीब समझ लो उन लोगों को 580 या 600 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ का फायदा हुआ है। ये अभी तक जो है न्यूज के अंदर आया है हर जगह से। अब देखो ये सारे प्रूफ ईडी के पास थे और उन्होंने ये बोला कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स के अंदर विटनेस की जो गवाही हुई है उन सबके अंदर अरविंद केजरीवाल का नाम आया, और वो अरेस्ट भी हो गए हैं क्योंकि हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसमें वो बोल रहे थे कि भैया मुझे ये लोग अरेस्ट नहीं करेंगे इस बात की मुझे सिक्योरिटी दो, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला ना। तो भाई आने वाले टाइम में देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल सही निकलते हैं या गलत निकलते हैं, लेकिन जो भी हो मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। लेकिन ये अपडेट कैसे मिलेगी आपको? आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो यार फॉलो करके जाना, मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, मेरी वीडियो थोड़ी और आगे तक पहुंच जाएगी। और मेरी वीडियो आगे तक पहुंचनी थी यार, तुम लोग शेयर नहीं कर रहे, आगे शेयर करो दोस्तों को यार, व्हाट्सएप की स्टोरी पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे डालो, दोस्तों को लिंक शेयर करो यार। सच्चाई लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे बीजेपी गलत हो चाहे आम आदमी पार्टी गलत हो, सच्चाई जो भी हो वो आप तक पहुंचनी चाहिए। और आप लोगों को फैसला करना है कि कौन सही है या कौन गलत है, और जाने से पहले कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के जाना कि क्या आपके अकॉर्डिंग अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तार होना सही है या गलत है।